तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सुपरहिट कैरेक्टर डॉक्टर हंसराज हाथी यानी कवि कुमार आजाद का निधन हो गया है। कॉमेडी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हंसराज हाथी गोकुलधाम सोसाइटी के ऐसे मेंबर थे जिनसे हर कोई प्यार करता था। डॉक्टर हाथी दर्शकों समेत पूरी सोसाइटी के चहेते थे। इस पॉपुलर शो में कवि कुमार आजाद ने डॉक्टर हंसराज हाथी के किरदार में जान फूंक दी थी। बता दें कि शो में कवि कुमार ने भले ही डॉक्टर का किरदार निभाया था लेकिन वे हमेशा खाना खाने के दीवाने रहते थे। वे डॉक्टर थे लेकिन ओवरवेट डॉक्टर थे। सोमवार को कवि कुमार आजाद का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। जिस समय कवि कुमार को दिल का दौरा पड़ा वे अपने घर पर थे। शो से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कवि कुमार आजाद का आज सुबह ही प्रोड्यूसर के पास फोन आया था। उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए वे आज शो पर नहीं आ पाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद ये बुरी खबर आ गई। शो से जुड़े सूत्र बताते हैं कि कवि कुमार काम के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। तबीयत खराब होने के बावजूद भी वे शो पर आते थे। इस शो से वे बेहद प्यार करते थे। कवि कुमार आजाद बॉलीवुड में भी हाथ आजमा चुके थे और फिल्म मेला में नजर आ चुके थे। इस फिल्म में उनके साथ आमिर खान भी थे। हालांकि कवि कुमार आजाद को असली पहचान तारक मेहता का उल्टा चश्मा से मिली। कवि कुमार आजाद के नाम से ही जाहिर है कि वे कवि थे और जब वे एक्टिंग में मशगूल नहीं होते तो वे कविताएं लिखा करते थे और शो में वे पूरी तरह गोकुलधाम सोसाइटी के साथ बहुत ही मिलनसारिता के साथ पेश आते थे और बच्चों के बीच भी वे काफी लोकप्रिय थे।